ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल का अजमेर से गहरा नाता है। उनका जन्म अजमेर के राजकीय अस्पताल में हुआ था। वहीं उनका पूरा परिवार अजमेर में ही पहले खजाना गली और बाद में धान मंडी में किराए के एक कमरे में ही रहता था। पराग यहां अपने दादा रामचंद्र अग्रवाल, दादी, पिता राम गोपाल अग्रवाल, माँ और बहन के साथ रहते थे। पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ नियुक्त करने की खबर मिलते ही मकान मालिक और अग्रवाल समाज में हर्ष की लहर फैल गई। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर सभी ने खुशी का इजहार किया। पराग अग्रवाल की मकान मालकिन विजय लक्ष्मी गोयल ने बताया कि पराग का जन्म उनके मकान में रहते हुए ही राजकीय अस्पताल में हुआ था। उनके साथ माता पिता, दादा दादी और बहन भी रहते थे। अभी उनकी बहन डॉक्टर उमा गुप्ता मुंबई में चिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार से अब भी उनके अच्छे संबंध हैं। दादाजी और उनके पिताजी और उनकी बुआ में सब यहीं रहती थी, इसी मकान में। दादाजी का रामचंद्र जी और पिताजी का गोपाल, गोपाल कहते थे गोपाल। ये सन 79 में हमने खाली करवाया था, मतलब प्रॉब्लम थी जो खाली करवाया था। फिर वो धान मंडी में गए, नहीं ऐसे मिलते जुलते बोलते थे। विजय लक्ष्मी गोयल। वहीं अग्रवाल समाज के शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उन्हें गर्व हो रहा है कि अग्रवाल समाज का बेटा ट्विटर के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है। उन्होंने पराग के पिता से बातचीत करके बधाई दी, साथ ही उन्हें आमंत्रित किया कि उन्होंने 4 दिसंबर को शादी में आने की जानकारी दी। एक और जहाँ अग्रवाल समाज के लिए तो गर्व की बात है, वहाँ अजमेर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है कि अजमेर में जन्मे हुए अग्रवाल समाज के पराग अग्रवाल आज सोशल मीडिया के सबसे बड़ा जो है ट्विटर अकाउंट, उसके मुख्य जो पद है, सर्वोच्च पद है, सीईओ के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। हमें जैसी जानकारी मिली कि उनका जन्म अजमेर में हुआ है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ा कि उनके दादा दादी और फादर मदर अजमेर में ही रहते थे और पहले खजाना गली में और उसके बाद में धान मंडी दरगाह विहार में वो किराए के मकान में रहने लगे। किराए के मकान में रहने का मतलब ये कि संघर्षों में ज़िंदगी व्यतीत करना, और इतने संघर्षों में पारिवारिक जिंदगी व्यतीत करने के बाद यदि कोई सर्वोच्च पद पर पहुँचे अमेरिका में ट्विटर के सीईओ जैसे पद पर, तो ये न सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए बल्कि अजमेर के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। इस पर उनका समय लेकर अभिनंदन की अनुमति ली है। अग्रवाल समाज और अजमेर के प्रबुद्ध जन पराग के माता पिता का अभिनंदन करेंगे।